आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे थिप्स और माइट कंट्रोल के बारे में। थिप्स और माइट कंट्रोल से क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं थिप्स की। थिप्स एक कीड़े की वजह से होता है जो अक्सर हमारे पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं। मादा मक्खी पत्तियों के नीचे अपने अंडे दे देती है जिससे बच्चे पैदा होते हैं और वो पत्तियों से रस चूसते हैं जिसके कारण थिप्स होता है। थिप्स से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप अमेडा गोल्ड 2 ml प्रति लीटर में मिलाकर छिड़काव करें जिससे आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। इसको पहचानने कैसे? इससे पहचानने का सबसे अच्छा ये है, जब पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ने लग जाएं और पत्तियां मुड़ के छोटी हो जाएं तो इसका मतलब है कि आपके पेड़ में थिप्स लगा हुआ है। इसीलिए आप इसमें अमीडा गोल्ड की 2 ml प्रति लीटर में मिला के छिड़काव करें जिससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, अगर ये पेड़ में एक या दो हिस्से में हुआ है तब आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये पूरे पेड़ में फैल चुका है, पूरे खेत में फैल चुका है, तब आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और तब आप किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड या किसी तरीके की कीटनाशक ना खरीदें, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। दूसरा है मेटा। मेटा को पहचानने का तरीका ये है कि इसमें पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ने लग जाती हैं और पत्तियां सूख के छोटी हो जाती हैं। ये भी एक कीट की तरह की वजह से होता है जो पत्तियों के नीचे अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है। ये एक तरीके की मकड़ी होती है जो पत्तियों के नीचे ही पाई जाती है और रहती है। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है डिकोफिल 5 ml प्रति लीटर में मिला के आप इसका छिड़काव करें जिससे आप अपने पेड़ों को बचा सकते हैं। एक बात ध्यान में रखिए कि अगर आपके पूरे पेड़ में, पूरे खेत में ही फैल चुका है तब आप किसी तरीके का पेस्टिसाइड इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप तब इससे बचा नहीं सकते हैं और ऐसे में आप अपना पैसा बर्बाद ना करें। अगर कुछ हिस्से में लगा हुआ है तब आप इसका प्रयोग जरूर करें ताकि आपका पूरा पेड़ बच जाए। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।